हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनीताज गैलेक्सी। ये शिमला मिर्च का प्लांट है और इस पर रेड कलर की शिमला मिर्च लगी है। मार्केट से जो शिमला मिर्च हम सब्जी के लिए लाते हैं, उसी के सीड से हमने ये प्लांट ग्रो किया था और अब ये तैयार है हार्वेस्टिंग के लिए। तो आज हम इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। एक ही गमले में हमने कुछ कस्टर्ड एप्पल के सीड्स डाल दिए थे और कुछ शिमला मिर्च के डाल दिए थे, तो दोनों ही इसमें एक ही गमले में उग गए हैं और इतने बड़े बड़े हो गए हैं। शिमला मिर्च तो हार्वेस्टिंग के लिए भी तैयार है और कस्टर्ड एप्पल के पौधे भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। शिमला मिर्च का पौधा फुल सन का प्लांट है। इसको अच्छी धूप मिलती है तो ही इस पर फ्लावरिंग होती है और फ्रूटिंग भी अच्छी होती है। इसको ग्रो करना बहुत आसान है। इसके बीजों को लेकर मिट्टी में ऐसे ही स्प्रिंकल कर देंगे तो ये उग जाएंगे। जब छोटे छोटे पौधे होते हैं तभी इनको बड़े पॉट में लगा देना चाहिए। ये हैवी फीडर होते हैं, इसलिए इनको बड़ा गमला देना ही ठीक रहता है, ताकि इनको बड़े गमले में समय समय पर कंपोस्ट दी जा सके और इनकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। एक बार हार्वेस्टिंग के बाद इसमें कंपोस्ट की जरूरत होती है, ताकि ये फिर से फ्लावरिंग करे और फ्रूटिंग करे। फल और सब्जी के पौधों के लिए ऑर्गेनिक खाद ही अच्छी रहती है। इसके लिए आप गोबर की खाद ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं और अपने घर पर बनाई हुई किचन वेस्ट कंपोस्ट भी ले सकते हैं। किचन वेस्ट से कंपोस्ट कैसे बनाना है उसका वीडियो चैनल पर है, आप विजिट करके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एक प्लांट से इतनी हमने हार्वेस्ट ले ली है और उसके बाद फ्लावरिंग भी आगे शुरू हो गई है। फ्रेंड्स, चैनल पर यदि पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ।